आज मैं जा रहा हूँ देखने के लिए रास मेला। आज संडे का दिन तो सबका छुट्टी है, तो आज सब आए हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ है। और यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम। और यहाँ पे हो रहा है ब्रेक डांस, और हम लोग अपना ब्रेक डांस कर रहे हैं। छोटी बच्ची हो गया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फॉक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्याम व्लॉग्स। तो आज मैं जा रहा हूँ देखने के लिए रास मेला, जो कि बोगाईगांव गांधी मैदान में हो रहा है। और ये मेला बहुत बड़ा करके होता है। ये शुरू हुआ था 8 तारीख को और खत्म होगा 22 तारीख को। आज लगभग 20 तारीख है, तो आज मेरे को थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा संडे का दिन है तो सोचा मेला देख के आ जाओ, क्योंकि मैंने कभी अपना लाइफ में रास मेला नहीं देखा है, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है। और ये आसाम के बहुत सारे जगह में हो रहा है, जैसे नलबारी, माजुली, लेकिन मैं बोगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो बोगाईगांव वाला देखता हूँ कैसा होता है। सुना है कि बहुत बड़ा होता है। और ये जो रास मेला है, ये जो राधा कृष्णा का जो प्रेम कथा है, जो इटर्नल लव है, उसके मतलब सम्मान के लिए ये मनाया जाता है। तो अभी वहां जाऊंगा, फिर आपको सीधा मिलूंगा बोगाईगांव गांधी मैदान में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो अभी गाइस हम पहुंच चुके हैं बोगाईगांव गांधी मैदान में। तो अभी जा रहे हैं जहाँ पे मेला हो रहा है, तो स्कूटी हमने पार्किंग लगा दिया है, तो पर स्कूटी पार्किंग का है 30 रुपीज़ करके। तो अभी जाते हैं आगे तरफ, देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एंट्रेंस, मस्त से सजाया हुआ है, और यहाँ पे पूरा पार्किंग ही पार्किंग, 30 रुपीज़ टू व्हीलर का पार्किंग करने का। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है देखने लायक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ कपड़ा उपड़ा का दुकान है, फिर यहाँ पे खाने वाने के लिए दुकान है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्लावर्स के लिए बहुत सारा दुकान है। लाइन से आएंगे तो पूरा दुकान ही दुकान मिलेगा। ये मेला का बाहर का व्यू है, तो अभी अंदर का व्यू आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये बाहर में इतना सारा सब दुकान लगा हुआ है। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे है एंट्रेंस, तभी हम यहाँ से घुसते हैं अंदर, और उसके बाद देखते हैं क्या है अंदर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अंदर तो पूरा क्राउडेड ही क्राउडेड है, एकदम आदमी भरती भरती। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत क्राउडेड है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मंदिर के तरफ, जो राधा कृष्णा का मंदिर है वो तरफ में जाएंगे पहले। पहले घुसने के साथ साथ भगवान का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, तो यहाँ पे है मंदिर, बहुत सारा भीड़ है यहाँ पे, और वहाँ जैसे कि देख सकते हैं राधा कृष्णा का मूर्ति वहाँ पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा भीड़ है, यहाँ पूरा एकदम ही क्राउडेड है। आज संडे का दिन है तो सबका छुट्टी है, तो आज सब आए हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे बाद में कुछ संगीत उंगीत होता है, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। पहले आया हूँ मैं मंदिर, यहाँ पे पूजा वूजा कर लूंगा, उसके बाद फिर हम अपना मेला घूमेंगे। अभी हम मंदिर वंदिर में टिका हुआ लगा के आ चुके हैं। अभी थोड़ा यहाँ पे मूर्तियाँ वूर्तियाँ है, तो वो थोड़ा देखते हैं। और यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम पूरा, दिनेश कार्तिक, सूर्य कुमार यादव। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है बोरा अवतार, ये है लॉर्ड विष्णु का एक अवतार, और उसके बाद यहाँ पे है कृष्ण भगवान हमारे। तो और फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो जैसे कि आप देख सकते हो कृष्णा भगवान गोवर्धन पहाड़ को उठाते हुए अपने एक छोटी उंगली से। ये देखिए, जैसे देख सकते हैं भगवान शिव माता पार्वती के साथ,
यहाँ पे देखिए, ये है कृष्णा भगवान का वृंदावन, बहुत मजा से सेटअप किया है, एकदम मजे से बनाया है। यहाँ पे श्री कृष्णा और माता राधा का एकदम मजे से मूर्तियाँ अलग अलग जगह में लगाया हुआ है, तो बहुत ही मस्त है। तो गाइस लगभग हम आधा रास्ता आ चुके हैं, आधा रास्ता घूम चुके हैं, जिसके आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत मस्त मस्त से सजा के रखा है एकदम, मुझे तो मज़ा लग गया है यहाँ आके। और आगे और जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या क्या है, तो आगे वो तरफ में जाएंगे, जिसके आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड है यार, संडे का दिन भी है तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। मंदिर से बाहर निकल चुके हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे खेलने लायक चीज़ क्या क्या है, अभी थोड़ा एडवेंचर टाइप चीज़ देखते हैं यहाँ पे, दुकान वकान देखते हैं, चकरी उकरी भी है यहाँ पे तो वो भी देखते हैं। एक राइड लेने वाले हैं ब्रेक डांस का, तो अभी हम ऐसे टिकट ले लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे उठने के लिए ब्रेक डांस में, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है ये गाड़ी में उठने वाला, तो अभी हम इसमें उठेंगे, अभी स्टार्ट होगा मालूम नहीं, मेरे को तो बहुत चक्कर लगता है, लेकिन मेरा दोस्त ने बहुत ज्यादा फोर्स किया तो इसलिए मेरे को उठना पड़ा, तो अभी स्टार्ट होगा, पता नहीं भगवान मेरे को बचा लेना। और जैसे कि ब्रेक डांस रेडी हो चुका है, मैं भगवान पर से भगवान मेरे को उल्टी उल्टी मत करना। हेलो मैडम, हेलो हेलो, कहा जा रहा है गला, ओ माय गॉड, छोटी बच्ची हो गया। और यहाँ पे हो रहा है ब्रेक डांस, और हम लोग अपना ब्रेक डांस कर रहे हैं, फिर से आ गए इधर हम लोग एक ही जगह पे वापस वापस घुरा रहे। मजा तो बहुत आ रहा है। BMW ऐसे BMW साथियो सोयमान हेंगड़ा मेरी बरबेटा, बिजली। और यहाँ में आप देख सकते हैं सब हैंडमेड शिप, ये सब बेम्बू से बनाया है इन्होंने। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ईगल टोकरी
तो सब बैम्बू से बनाया हुआ सामान है। तो गाइस अभी हम मेला से बाहर निकल चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वापस से रूम में। तो मेला वाला घूमना हो चुका है, तो मेला अच्छा ही हुआ, अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था मेरा। तो अभी जाएंगे वहाँ पे, हमने पार्किंग में स्कूटी रखा है, तो वहाँ पे हम लोग को 30 रुपीज़ देना है, फिर वहाँ से निकलेंगे। तो गाइस हम रात मेला से आए हुए हैं, तो अभी हम मोमो के दुकान में आए थोड़ा मोमो खाने के लिए। तो बहुत दिन बाद मोमो नहीं खाया, तो मोमो ना खाने के बाद जाएंगे रूम में, और रूम में जाके मैं अपना वीडियो खत्म करूँगा। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा मोमो, इसको जल्दी से खाते हैं और फिर जाते हैं डायरेक्ट रूम में। तो फाइनल गाइस रूम में आ चुका हूं मैं, तो बहुत ही अच्छा मतलब लगा आज मेला वाला घूर के। तो एकदम जो रास मेला था, मेरा फर्स्ट टाइम विजिट था, तो वहां पे एक तो ब्रेक डांस था, उसमें मैं मजा से घुरा। मैं दोस्त को फिर मैंने बोला दूसरा में भी जाएगा, लेकिन मेरा दोस्त को थोड़ा डर लगता था, इसलिए तो हम लोग वहां गया नहीं। तो दूसरा जो है बराबर चक्री, उसमें मेरे को उठना था तो मैं उठा नहीं। और ये वीडियो में थोड़ा वॉइस और ऑडियो क्वालिटी थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि आपको जैसे पता है मैंने पहले का वीडियो में ही बोला कि मैंने अभी तक मेरा प्रॉपर माइक सेटअप लिया नहीं है। तो अभी मैं जल्द ही ले लूंगा अपना माइक, और तब थोड़ा मैं मतलब जो मेरा ब्लॉग में जो ऑडियो क्वालिटी है उसको थोड़ा ठीक करने का कोशिश करूंगा। आज का ब्लॉग में यही खत्म करता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।